हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार BCECE की जो एली लिटरल एंट्री के लिए जिन्हें आवेदन किया था, जिसमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, पैरामेडिकल के लिए, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों ने आवेदन किया था। उसका एग्ज़ाम हो चुका है, उसका जो रिजल्ट है वो 7 तारीख को आ चुका है दोस्तों। तो हम उसकी बाद बात करते हैं इसकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो किस डेट को जारी होगा, कैसे आप चेक कर सकते हैं अपना काउंसलिंग शेड्यूल जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, किस डेट को किस रोल नंबर वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के द्वारा जानकारी देने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com। और दोस्तों ये जो पोस्ट है बिहार BCECE फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल 2018 आप हमारी जो वेबसाइट है इस पर जाकर देख सकते हैं और इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। हम बात करें इसकी काउंसलिंग का, मगर उससे पहले मैं आपको बता दे दूँगा अगर आपने अपना जो रिजल्ट है नहीं चेक किया है तो उसके लिए हमने आप लिंक दिया हुआ है मेरिट लिस्ट 2018 PDF डाउनलोड, उस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक PDF जो हमारी दूसरी वेबसाइट है वहाँ पर जाकर जो PDF है वो देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपका जो परीक्षा फल है वो दिया हुआ है, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कैसे आप अपना जो परीक्षा फल है और रैंक कार्ड के बारे में भी बताया कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 14 तारीख को जारी होने वाला है। तो यहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं, रोल नंबर वाइज दिए हुए हैं सबके, कैटेगरी वाइज और कोर्स वाइज। तो यहाँ से आप देख के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हम वापसी चलते हैं पहली वाली पोस्ट पर ही, इसमें जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके बारे में हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो कि 14 तारीख को जारी हो जाएगी। जैसे ही रैंक कार्ड आता है उसका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो भी 14 तारीख को ही जारी होने वाला है दोस्तों। तो जैसे ही 14 तारीख को काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा आप हमारी जो ये पोस्ट है इस पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा काउंसलिंग का, बिहार BCECE काउंसलिंग शेड्यूल पर आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो PDF मिलेगा आपको उसमें आपका रोल नंबर और डेट आपको मिलेगी किस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने होंगे काउंसलिंग के दौरान वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ओरिजिनल हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट, पेन प्लस टू की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप साथ में लेके जाएंगे, अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको साथ में लेके जाना होगा, साथ में आपको फ़ोटो अपनी जो फ़ोटो है दो फ़ोटो जो कि आपका हाल ही में खींची हुई हो वो आपको लेके जानी होगी, साथ में जो भी आपके हायर डिग्री आपके पास सर्टिफिकेट हैं तो वो भी आपको साथ में ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटैच करके लेके जानी होगी, और साथ में जो उसका रैंक कार्ड है उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाएंगे दोस्तों काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा उस टाइम पर। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे ही काउंसलिंग जारी होगी आप हमारी वेबसाइट पर नॉलेज ले सकते हैं, किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।